एक किसान जो सरकार को झुकाने का मादा रखता है, एक किसान एक अन्नदाता जो पुलिस प्रशासन को अपने आगे झुका देता है। कैसे? उसके लिए आप ये तस्वीर देखिए। देखिए इस वक्त ये 70 साल का बुजुर्ग किसान एक टावर पर चढ़ा हुआ है, BSNL का टावर है ये, वहां पर ये चढ़ा हुआ है और पुलिस से मांग कर रहा है, प्रशासन से मांग कर रहा है कि इसे इसके साथ इंसाफ किया जाए, इसके साथ जो नाइंसाफी की है बड़े लोगों ने, बड़े विधायकों ने, ठेकेदारों ने, उसका उन्हें नतीजा दिया जाए और इसके साथ इंसाफ। अब आप पुलिस की तस्वीर देखिए कि पुलिस किस तरीके से इन गायों को, उसकी बछिया को बड़े आराम से लेकर एक घर के अंदर लाती है और वहाँ पर यही किसान उन गाय से और बछिया से लिपट जाता है, रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है और पुलिस के आगे हाथ जोड़ कर कहता है कि साहब आपने मेरा काम कर दिया, आपने मेरी सुन ली। इतना ही नहीं, ये बूढ़ा किसान, ये बुजुर्ग किसान उस गाय को इस तरीके से पुचकारता है जैसे इसका खुद का बच्चा हो, इसका अपना किसी परिवार का कोई सदस्य हो जो कई सालों बाद इससे मिला है। इसके बाद खूब रोता है, अपने हाथों से उन गायों को, उसकी बच्चिया को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और रौंधे गले से बस उन्हें पुचकारता रहता है, उन्हें गले से लगाए रखता है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि इस किसान को एक टावर पर चढ़ना पड़ा पुलिस को झुकाने के लिए? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि पहली बार या ऐसा कुछ हुआ कि DNA किया गया गायों का और फिर पता लगाया क्या कि उसका असली मालिक है कौन? आखिर ऐसी भी क्या कहानी घट गई या ऐसा भी क्या हो गया इस किसान के साथ कि अचानक जब CM की रैली आने वाली हुई तब पुलिस के हाथ पैर फूल गए? दरअसल इस कहानी को समझने के लिए आपको साल 2021 में चलना होगा। ये पूरी कहानी राजस्थान के चुरू की है। यहाँ पर दूलाराम नाम का एक शख्स है, ये किसान, इन्हीं का नाम दूलाराम है, ये किसानी करते हैं, इनकी गाय हैं, इनके बच्चे भी इनका योगदान देते हैं इसी में। लेकिन एक बार इनकी अपने ही जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर किसी बड़े आदमी से कुछ मनमुटाव हो जाता है। इस सिलसिले में 11 फरवरी साल 2021 को जो शख्स है, जो बड़ा आदमी था, वो इनकी गाय की एक बछिया थी छोटी, उसे चुरवा लेता है, उसे अपने लड़कों को भेजता और कहता है कि वहाँ इसकी एक गाय की बछिया बंधी है जो अभी अभी हुई है, उसे चुरा ले जाओ। तो लोग चुरा भी ले जाते हैं। अब इसकी गाय को वहाँ से खोल दिया जाता है, चुरा कर ले जाया जाता है। अब इस किसान की जो बछिया थी वो गायब हो चुकी थी। इसके बाद ये पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ गुहार लगाता है कि जो मेरी बछिया है वो गायब हो गई है, मालिक मेरी मदद करिए, मैं छोटा सा गरीब किसान हूँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, सब जो पुलिस वाले थे वो नानुकुर कर देते हैं। अब ऐसे ही ये जो दिन है वो आगे बढ़ते जाते हैं, करीब 10 महीने बीत जाते हैं, लेकिन ये किसान रोज़ पुलिस स्टेशन जाता, रोज़ वहाँ से पुलिस वालों की गाली खाता, फिर वापस आता और घर पर रोता। उसके बाद 10 महीने बाद अचानक इसे कॉल आता है, गांव से कुछ दूर पर एक दुकान थी, वहाँ पर जो आदमी काम करता था वो इसे कॉल करता है, कहता है अरे दूलाराम जी आपकी गाय मिल गई है, जो आपकी बछिया थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई और शायद यही है, एक बार आप आकर देख लीजिए। अब जब ये दूलाराम वहाँ जाकर देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि पहचान जाता है कि उसी की बछिया है जो थोड़ी सी अब बड़ी हो गई है। अब ये उसको लेकर वापस घर आ जाता है। लेकिन जब ये उस बछिया को लेकर घर आता है, घर में सब लोग खुश हो जाते हैं, तभी जिस शख्स से इसकी लड़ाई हुई थी, वो ठेकेदार, वो बड़ा आदमी, फिर से आकर इसके घर पर 3-4 लोग आते हैं, इसे मारते पीटते हैं, कहते हैं तुम अब गाय चुराने लग गए, ऐसी हरकत करोगे, और फिर से इसकी जो बछिया थी उसे वापस ले जाते हैं, इससे छीन कर दूर ले जाते हैं और इसे चोर साबित कर देते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें घटती हैं तो जो दूलाराम जी हैं, जो ये किसान हैं, ये बहुत रोते हैं, इनकी पूरी उम्मीदें टूट जाती हैं और साथ ही इन्हें अब ये भी लगता है कि ये लोग मुझे चोर साबित करने पर तुले हैं। फिर इसकी शिकायत भी करानी है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं सुनती। लगातार ये 3 बार FIR कराते हैं, कोई उस पर न जाँच होती है, कोई पड़ताल नहीं करते। इसके बाद जो इनकी बीवी हैं वो कहती हैं कि छोड़ दो, एक ही तो गाय है, बच्चिया ले गए मतलब गाय है, हम उससे काम चला लेंगे, क्यों अपना तुम इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें और भी काम करना है, सारे पैसे क्या इसी में लुटा दोगे। लेकिन दूलाराम उसे अपने बच्चे की तरह मान रहे थे और यहाँ तक जब उन पर एक बाहर वाले लोगों ने चोरी का आरोप लगा दिया अपनी ही बच्चिया का, तो उन्हें और दुख पहुँचा, जिसके लिए आप ये सोचिए कि इस किसान ने अपनी 10 बीघा की ज़मीन तक बेच डाली पुलिस के चक्कर काटने में, उन्हें पैसा देना, वकील और ये कचहरी का जो चक्कर होता है इसके चक्कर में उन्होंने अपनी 10 बीघा ज़मीन तक बेच डाली, जितने भी इनके काम चल रहे थे वो धीरे धीरे ठप होने लगे,
खेती बाड़ी इनकी थोड़ी मंदी पड़ गई क्योंकि इनका जो सारा टाइम था वो इसमें जाने लगा। लेकिन इन्होंने अपनी बीवी से बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा और ये कसम खाई कि जैसा भी हो इन लोगों ने मुझे चोर साबित कर दिया है, लेकिन अब मैं अपनी गाय वापस लेकर रहूंगा क्योंकि वो मेरी है और मैं चोर नहीं हूँ। और यहाँ तक कि जो ये बुजुर्ग है किसान, इसने कसम तक खाई कि मैं अब जब तक मेरी बछिया यानी कि जब तक जो मेरी बछिया है, जो मेरी गाय है, मुझे वापस नहीं मिलेगी, तब तक ना मैं अपनी दाढ़ी कटवाऊंगा और ना ही मूछें मुड़वाऊंगा। ये तक कि वो कसम खा लेते हैं और लग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। अपनी जो इनकी तीन बेटियां हैं उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपनी बच्चिया को बचाएंगे, अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बचाएंगे। इसी सिलसिले में करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक रैली थी। अब जब दुलाराम जी को ये पता लगता है तो वो 6 महीने पहले नवंबर 30 नवंबर की तारीख की साल 2022 उसी वक्त एक BSNL टावर बना है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहीं की तस्वीर है, और उस वक्त ये टावर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अब मुख्यमंत्री का वहाँ पर रैली थी, एक दौरा होना था, इसके लिए जितने भी SP हैं सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि किसी बात का बतंगड़ ना बने, हमने जब कार्रवाई नहीं हुई है, ढिलाई हमारी तरफ से हुई है, तो क्यों ना इसकी बात सुन ली जाए ताकि ये सारी बातें मुख्यमंत्री तक ना पहुँचे। अब मुख्यमंत्री जी तक ये सारी बातें ना पहुँचे उससे पहले ही जो पुलिस वाले हैं, जो DSP हैं, वो इसको पूरा संज्ञान लेते हैं, इस मामले में पूरी जांच करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं कि जो जो चीज़ें लापरवाही हैं पूरे केस को अच्छे से देखा जाए और अच्छे से इसमें ये पता लगाया जाए कि आखिर वो गाय है किसकी, क्या दुलाराम जी पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है, क्या वो सच है या फिर निराधार है। अब इसके बाद जब ऑर्डर वगैरह आ जाते हैं तो DNA कराया जाता है। जो गाय थी, बड़ी गाय, उसकी बछिया को जो चोर थे वो चुरा कर ले गए थे। अब वो बच्चिया भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो जो पहले वाली गाय थी और जो उसकी बच्चा थी, उनका दोनों का DNA टेस्ट कराया जाता है। जनवरी में ये सैंपल लिए जाते हैं, इसके बाद ये सैंपल हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद में जब ये सैंपल जाते हैं, वहाँ से टेस्ट होकर इनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद अब पता चलता है कि जो DNA सैंपल थे वो मैच हो गए हैं, यानी कि दुलाराम जी सही कह रहे थे कि जो उनकी बच्चिया थी वो उन्हीं की है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। जब ये सारी बातें पुलिस को पता लगती हैं, DSP को पता लगती हैं, सारी जांच पड़ताल जब हो जाती है, तो ये जो गाय है इसे लाकर अब दुलाराम जी को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं कि एक गाय है, उसके साथ बच्चियाँ भी हैं। तो दरअसल जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चली और जब तक इन्होंने अपना एक केस लड़ा, पुलिस के चक्कर काटे, इतने सालों में एक तरीके से साल 2021 में वो बच्चियाँ चोरी हुई, तो वो अब गाय बन चुकी है और उसकी भी 2 बच्चियाँ हो गई हैं। तो अब पुलिस ने वो दोनों बच्चियाँ और वो गाय वो दुलाराम जी को सौंप दी है और दुलाराम जी इस बात से खुश हैं, थोड़े से नाराज़ ज़रूर हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने मेरी पहले नहीं सुनी, अगर वो पहले ही सुन लेते तो मुझे इतना लंबा वक्त ना लगता, मुझे इतनी लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़ती और इस तरीके से टावर पर ना चढ़ना पड़ता, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मैं गरीब आदमी हूँ, एक किसान हूँ, बड़े बड़े ठेकेदारों के आगे उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, लेकिन मेरी एक ना चली। मेरी बीवी अक्सर मुझसे ये कहती थी कि मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ, मैं क्यों इस गाय और इसके चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, सारे पैसे जा रहे हैं। लेकिन दुलाराम जी का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी सिर्फ इस वजह से कि वो सच साबित करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि पता लगे कि असली चोर कौन है और किसने मेरी गाय चुराई, वो ये भी जानना चाहते थे, साथ ही वो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते।